तो अगर हम ये स्टोरी अज्यूम कर लें कि इस लेक्चर से हम कुछ अच्छा सीखेंगे, ये भी तो हम स्टोरी अपने माइंड में लगा सकते हैं ना, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम स्टोरीज वो बनाएं जिसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, जो इफेक्टिव रिजल्ट दे, जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस हो वो पॉजिटिव हो, एटलीस्ट कोई फ़ायदा मिले हमें। हम अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशंस में, जिनको हम कैजुअल कन्वर्सेशंस कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लगा के जाते हैं एक दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ अजम्पशंस होती हैं हमारे पास, और उनमें से कोई जितनी भी अजम्पशंस होती हैं 90% ऑफ दोज अजम्पशंस आर नेगेटिव अगले बंदे के बारे में हमेशा। मिसाल के तौर पर जब आप एक्टिव एडिक्शन में होते हैं, आप साइकोसिस में होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो जो आपके माइंड में जो पैरानोया चल रहा होता है, जो साइकोसिस की स्टेट चल रही होती है, वो बेसिकली आपकी स्टोरी होती है, जो कि उस टाइम आपका वो जो ड्रग है वो आपको आपकी स्टोरी को पूरा बिल्डअप कर रहा होता है। आपके माइंड को पूरा उस ड्रग ने कंट्रोल जब कर लिया है, तो ऑफकोर्स जो आप सोचोगे, जो आप इंटरप्रेट करोगे, वो आप उसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आके कर रहे होते हो, और वो कोई अच्छी स्टोरी तो नहीं होती। शक शुबा हमें कोई अच्छा कभी शक हुआ है किसी के बारे में, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एक्टिव एडिक्शन कोई अच्छा शक हुआ है? हमेशा बुरा शक हुआ है अगले के बारे में कि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, या वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या मेरे पीछे कोई एजेंसीज पड़ी हुई हैं, इस तरह के ऐसा ही है ना, नेगेटिव अजम्पशंस होती हैं, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होता है उनसे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने कुशल कन्वर्सेशन में अभी तक ये सीखा कि कैसे हमने एक कन्वर्सेशन में एंटर होना है इफेक्टिवली, कि हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट आए उस कन्वर्सेशन से, क्योंकि जो हम कन्वर्सेशन करने जा रहे होते हैं इट्स वेरी क्रूशल, इट्स वेरी सेंसिटिव, बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर भी और नेक्स्ट पार्टी के ऊपर भी। तो मेक श्योर हमने ये करना है कि हमने अभी तक यही सीखा ना कि किस तरह से हमने एक राइट वे में क्रूशल कन्वर्सेशन में एंटर होना है, और फिर हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी आपने सेफ्टी भी इंश्योर कर ली। सेफ्टी इंश्योर का मतलब ये कि आपने ये भी देख लिया कि ना आप साइलेंस में हो, ना अगला बंदा साइलेंस में है। ऑल्सो आपने ये भी रीचेक कर लिया कि ना अगला बंदा वॉयलेंस में और ना आप वॉयलेंस में हो। जब हमें ये लग रहा होता है कि फ़ायदा नहीं है बात करने का, कोई मुझे पता है कि रिजल्ट क्या होगा, नो पॉइंट, समटाइम्स ऐसा भी होता है। साइलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अवॉइडेंस की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ चुप हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ना कन्वर्सेशन में ना जाएं। साइलेंस तब भी होता है जब आप एक कन्वर्सेशन में बात करना चाह रहे होते हैं, जो कि आपने करनी है, जो ज़रूरी है, जो क्रूशल है, लेकिन अगले बंदे की जजमेंट्स देख के या अगले बंदे का रिएक्शन देख के आप कोई और बात शुरू करने लग जाते हो, लाइक आप टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि साइलेंस सिर्फ ये नहीं होता कि आप अवॉइडेंस में चले जाते हो या फिर आप बिल्कुल इग्नोर करना शुरू जाते हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है, इफ़ ये एक सिम्टम होता है, एक साइन होता है कि आप साइलेंस की तरफ जा रहे हो, कि जब आप टॉपिक ही अपनी कन्वर्सेशन का चेंज कर लेते हो, जिस टॉपिक पे आपने बात करना होती है या आपको पता है कि वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्रूशल है, इस पे करनी चाहिए, लेकिन आपको होता है कि पता नहीं आगे से मुझे कैसा रिस्पॉन्स आएगा या रिज़ल्ट क्या होगा इसका, या अगला बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो आप बात का रुख चेंज कर देते हो, टॉपिक ही चेंज कर देते हो। फिर अच्छी बात है ना, आपको उसके लिए ही क्रूशल कन्वर्सेशन है कि आपने किस तरह से प्रिपेयर होकर जाना है। आपको अगर पता है कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा तो ऑलरेडी आपके इमोशंस सेटअप्ड हैं, लाइक आपको पता है, आपने अपना स्टोरी भी बना ली है, आप डायरेक्ट इंटरप्रिटेशंस आपने बना लिया, आप कंक्लूजन्स की तरफ भी चले गए हो, क्योंकि आपको पता है आपका रिस्पॉन्स, अगले का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो ये चीज़ क्रूशल कन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि इस तरह से फ़ौरन से कंक्लूजन्स के ऊपर जंप नहीं करना, उससे पहले आपने अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, क्योंकि जब दो बंदों में कन्वर्सेशन हो रही होती है, अगले का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगले का भी कोई ओपिनियन होता है और आपका भी कोई ओपिनियन होता है। लेकिन जो हम दिमाग में ये सोच लेते हैं कि मुझे पता है कि इसका क्या जवाब होगा या मुझे पता है ये किस तरह से इसने रिस्पॉन्ड करना है, तो दैट मीन्स कि आपने अपने आप को स्टोरी बता दी है। तो ये चीज़ कन्वर्सेशंस में नहीं करनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने यही डिस्कस किया था कि अपने आप को नेगेटिव स्टोरीज बताने से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी स्टोरीज नहीं बतानी चाहिए जो बेसलेस हैं, जो किसी फैक्ट के ऊपर नहीं होती या जिनका कोई एविडेंस नहीं होता। अगर वो शुरू हो जाए तो आपने उसको रिकग्नाइज करना है। वो स्टोरी ट्रू तब होगी जब आपका रिएक्शन उनके जवाब के ऊपर वैसा ही होगा जैसा आप लेकर गए हुए हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि आपने स्टोरी बनाई हुई है कि मुझे पता है कि उसने यही जवाब देना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना माइंड सेटअप कर लिया, आपके इमोशंस अनकॉन्शियसली सेटअप हो गए हैं कि उसने जवाब ऐसे देना है तो मैंने रिएक्ट ऐसे करना है। तो फिर जब आप रिएक्ट ऐसे कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स आ जाता है जैसा आप चाह रहे होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल, कि आप बेसिकली इसमें हो ये रहा होता है, मेरी बात समझ में आई है आपको, कि आपने पहले से ही आप सेट होके चले गए हैं, अपने इमोशंस आपने सेट कर लिए हैं, अपने एक्शंस सेट कर लिए हैं, अपने बिहेवियर सेट कर लिए हैं,
स्टोरीज अपनी सेट कर ली हैं, तो आप ऑलरेडी एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ एंटर हो चुके हुए हैं। तो फिर जब आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ एंटर हुए हुए हैं, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वही होगा, ऑफकोर्स बुरा ही होगा। तो आप चुप रह जाते हैं, दैट मीन्स कि आप साइलेंस की तरफ जा रहे हैं। हालांकि डेज के ऊपर बात करना इज़ अ क्रूशल टॉपिक, वेरी क्रूशल टॉपिक, राइट? अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली मीटिंग्स में आप उसके बारे में डिस्कस तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट हो सकता है कि आपके काउंसलर्स या आपके पेरेंट्स आपको कन्वेंस कर लें कि डेज इतने ही हैं, लाइक यू हैव टू बेयर इट नो मैटर वॉट। तो जब इतने लोग एक चीज़ कह रहे हैं और एक बंदा सिर्फ कह रहा है कि नहीं, डेज कम नहीं, डेज सॉरी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिसाल दे रही थी मैं कि अक्सर ऐसा होता है हम फैमिली मीटिंग्स में जब होते हैं, फैमिली ने हमसे कोई क्रूशल बात करनी होती है अबाउट के आप बाहर आ गए, जब आपका आउटडोर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं, तो उस टाइम पेशेंट्स चुप होते हैं। क्यों पेशेंट्स फैमिली मीटिंग्स में चुप होते हैं? जब पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि अब आपका आगे क्या प्लान है, या रिकवरी में आप कैसे लेकर चलोगे, ऐसे आगे कैसे कंटिन्यू करोगे, या आपने अभी तक यहाँ से क्या सीखा है, पेशेंट्स का मोस्टली रिएक्शन ब्लैंक होता है, दैट इज़ साइलेंस। ये साइलेंस की एक फॉर्म है कि एक कन्वर्सेशन क्रूशल है, ये इस चीज़ के बारे में बात करना कि आउटडोर में जाके आपने किस तरह से रिकवरी को लेकर चलना है, दैट इज़ अ क्रूशल टॉपिक, राइट? तो पेशेंट उसमें साइलेंस फॉर्म में चले जाते हैं। तो साइलेंस में जाने के बजाय अगर ऑल्सो एग्रेसिव फेस के ऊपर जाने के बजाय अवॉयलेंस जिसको हम कहते हैं, अगर उसकी तरफ ना जाएं और कोई मिडवे बीच में ढूंढ लें, तो उसके ऊपर अगर हम फैमिली से बात करें, जो फील कर रहे हैं, जो माइंड में इस टाइम चल रहा है, जो दिमाग में इस टाइम चल रहा है, या जो सोच आ रही है, जस्ट से इट आउट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फैमिलीज माइंड करेगी। एक्सेप्टेंस इज़ अ की टू एवरीथिंग। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी बीमारी को, तो आप ठीक हो गए हैं। इसका मतलब कि आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी ठीक हो चुकी है। तो एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आज हम इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट माई पाथ। स्टेट माई पाथ का मतलब ये है कि अब हम रेडी हो गए हैं, हमारे पास कॉम्पोनेंट्स आ गए हैं, हमारे पास इन्ग्रीडियंट्स आ गए हैं क्रूशल कॉन्वर्सेशन के। हमें पता चल गया है कि सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है, हमें पता चल गया है कि कन्वर्सेशन में एंटर कैसे होना है, हमें पता चल गया है कि किस तरह से एक हेल्दी डायलॉग को मेंटेन करना है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि अब जब हम एंटर हो गए हैं उस कन्वर्सेशन में, तो आगे इसको हमने लेकर कैसे चलना है, या अगले बंदे के साथ हमारा जो इनकाउंटर स्टार्ट हो गया है उसमें हम कहाँ पे गलत हैं, अगला कहाँ पे गलत है, मिस्टेक्स कहाँ पे आ रही हैं हमारे साइड से और दूसरे के साइड से, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है? तो स्टेट माई पाथ इस बेसिकली इसके 5 कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको हम स्टेट कहते हैं। इट्स शेयर, टेल, आस्क, इनकरेज, पूरा एक स्टेट बन जाता है इसका। व्हेन यू हैव अ टफ मैसेज टू शेयर और व्हेन यू आर सो कन्विंस्ड ऑफ योर ऑन राइटनेस दैट यू मे पुश टू हार्ड, रिमेंबर टू स्टेट योर पाथ। जब आपको पता चल जाए कि आप हद से ज़्यादा आगे जा रहे हैं, या आप कन्वर्सेशन में गलत साइड के ऊपर जा रहे हैं, या इधर यू आर गेटिंग इनटू साइलेंस और वायलेंस, या फिर हो सकता है आप जा रहे हो तो हो सकता है अगला बंदा भी जा रहा हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगला बंदा साइलेंस या वायलेंस की तरफ जा रहा है? बिहेवियर से, एक्शन से, कैसे बिहेवियर्स, कन्वर्सेशन से विदड्रॉ कर जाए, रूड हो जाए तो वो वॉयलेंस की तरफ जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टैक्ट से, तो फिर इनको कंफर्टेबल कैसे फील कराएं? अगर कोई साइलेंस की तरफ जा रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे उनकी सेफ्टी, या उनको कंफर्टेबल कैसे फील करवाएंगे? कोई आपके साथ कन्वर्सेशन में है और आपको आइडिया हो रहा है, यू कैन फील कि वो कंफर्टेबल नहीं है, या फिर वो साइलेंट है, या वो अवॉइड करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप उनको एम्पथाइज करो वहाँ पे कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मेरा रिएक्शन क्या होता है इस टाइम, उनकी साइड पे देखें। इस तरह से आप उनको कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। जब आप इस एंगल से देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन वो चेंज हो जाता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा।
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो सबसे पहला इसमें होता है कि शेयर योर फैक्ट्स। फैक्ट्स अपने शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कन्वर्सेशन में होते हो, तो बजाय हम ये कहने के कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ गए होगे, आई नो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ गए होगे, बाहर वो गए हैं, फॉर एग्जांपल कोई बाहर गया है, घर से बाहर गया है, ये एक फैक्ट है कि वो घर से बाहर गए हैं। फ्रेंड्स के साथ गए हैं ये फैक्ट नहीं है, बिकॉज आपको श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, यू आर नॉट अश्योर अबाउट दिस, कन्फर्म नहीं है आपको ये चीज़, ये आपकी स्टोरी है। तो फ्रेंड्स के साथ जाना घर से बाहर इज़ अ फैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कन्वर्सेशन में गुस्से में है, यू कैन सी कि उनका चीक्स जो हैं वो ब्लश कर रहे हैं, यू कैन सी कि उनके जो जेस्टर्स हैं मूड ठीक नहीं है, ये फैक्ट है। तो आप फैक्ट अपने शेयर कर देते हो कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ क्रूशल कन्वर्सेशन में हो, ठीक है, और अगला बंदा थोड़ा गुस्से में आने लग गया है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चलो आई थिंक तुम गुस्से में हो, या हम बाद में बात करते हैं, जस्ट से उस टाइम जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो बता दें उनको कि मुझे इस तरह से लग रहा है कि तुम्हारी आंखें ऊपर को हो रही हैं, या तुम गुस्से में हो, तुम्हारी चीक्स ब्लश कर रही हैं। ये फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। चीक्स किसी की ब्लश करना इज़ अ फैक्ट, राइट? नज़र आ रहा है, जो चीज़ नज़र आ रही है वो फैक्ट होती है। तो जो चीज़ उस टाइम नज़र आ रही है कन्वर्सेशन में वो बता दें, वो शेयर कर लें अगले बंदे के साथ। इससे होगा क्या कि आपका जो पार्ट ऑफ स्टोरी है, जो पर्टिकुलर जो आपकी नेगेटिव साइड ऑफ स्टोरी है, वो ऑटोमेटिकली खुद एक साइड पर हो जाएगी, और अगले बंदे को भी क्लियर कट मैसेज चला जाएगा कि ये आपका फैक्ट है। रूड बिहेवियर कैसे शो होता है, नज़र कैसे आता है, लाउड आवाज, आप ये फैक्ट है कि सलमान साहब आई नो कि आप गुस्से में शायद नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ लाउड हो रही है, जस्ट से इट आउट, ये आपने फैक्ट शेयर कर दिया है। इवन वर्ड्स, क्या मिस बुशरा आप गलत, आप अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रही हैं। फैक्ट्स जो होते हैं ना, जब आप किसी के साथ फैक्ट्स शेयर करते हो ना, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं अगले बंदे को, इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन में हूँ, बहुत टफ टॉपिक है, बहुत क्रूशल टॉपिक है, मुझे नहीं समझ आ रही उनसे इस टॉपिक के बारे में क्या बात करूँ, या चलें लेट्स से हम स्टैंड्स की बात ले लेते हैं, मैंने अपने फैमिली से स्टैंड्स के बारे में डिस्कशन करनी है, और मुझे पता है कि ऑफकोर्स वो मेरे स्टैंड्स अपलिफ्ट नहीं करेंगे बिकॉज अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बात डिस्कस करनी है बिकॉज इस टाइम मेरे माइंड में ये बात चल रही है। तो आप अपनी फैमिली के साथ एक कन्वर्सेशन में आ जाते हो, ठीक है, और वो वहाँ पर एक कुशल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप बताते हो कि आई नो अब मैं अपनी रिकवरी में अच्छा जा रहा हूँ, तो वाई नॉट थोड़े से मेरे स्टैंड्स जो हैं वो अपलिफ्ट कर दिए जाएँ। तो द मोमेंट यू सेड, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करने लग जाते हो। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कि जब आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज उनकी देख लो, उनकी टोन देख लें, तो ये सब चीज़ें जो ये फैक्ट्स हैं कि उनकी टोन तेज़ हो रही है, तो जैसे ही वो बोले उनको स्टार्ट बता देंगे आपकी टोन तेज़ हो रही है, आई थिंक आप गुस्से में जा रहे हैं। तो ये गुस्से में जा रहे हैं, ये दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, विच इज़ मतलब ऑफकोर्स थोड़ा कहीं ना कहीं वो सच भी होगी, लेकिन आपकी टोन तेज़ हो रही है, दैट इज़ अ फैक्ट। फैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत परसुएसिव होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, काफ़ी आपके अगले बंदे की और आपको भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं आपकी कन्वर्सेशन में। बायस नहीं होते, आप बात इस तरह से कर रहे होते हो कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देते हैं उनको ऐसे ही है, और आप बात भी कर जाते हैं और वो बैक्ट क्लियर हो जाती है, वो फैक्ट्स के ऊपर होती है। इस टाइम आप गुस्से में हैं, या इस टाइम आप मुझे लग रहा है कि आप चुप हो गए हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहा कोई अगला बंदा, तो दैट इज़ अ फैक्ट, एंड आप अगले बंदे को ये चीज़ कह सकते हो। नेक्स्ट होता है कि टेल योर स्टोरीज। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अपने फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर आपने अपनी स्टोरीज बनानी है खुद को। ये नहीं कहना फैक्ट्स, फैक्ट ये है कि वो घर से चला गया, स्टोरीज से क्या रिलेटेड आएगी कि वो एक फॉर एग्जांपल पेशेंट हैं, वो घर से चले गए हैं, और आपने ये ज्यूम कर लिया है कि वो फ्रेंड्स के साथ गए होंगे, तो दैट इज़ योर स्टोरी, जो कि आपने अपने फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर खुद ही बना ली है। सब्जेक्टिविटी आ गई है कि आप चले घर से, तो हो सकता है वो किसी और काम के लिए बाहर गए हों, हो भी सकता है, हो सकता है वो अपने किसी सुपरवाइज़र के साथ या हायर पावर के साथ बाहर गए हों, बट आपने ये ज्यूम कर लिया कि गए तो तुम अपने दोस्तों के साथ ही गए होगे। तो या अपने जब अपने फैक्ट्स के बेस के ऊपर स्टोरीज बनाते हैं तो वो जो होते हैं इम्पैक्टफुल होती हैं। तो अपने फैक्ट्स आपने रखने हैं, और फिर अपनी स्टोरीज बतानी है, फिर अपनी इंटरप्रिटेशंस बनानी है, फिर अपनी थेरीज बनानी है, क्योंकि एक्सप्लेन व्हाट यू आर बिगिनिंग टू कंक्लूड,
कि जो आप अपनी बता दें कि इस कन्वर्सेशन में अब आप चाहते क्या हैं, किस कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने फैक्ट्स शेयर किए, ठीक है, उसके बाद आपने स्टोरी बनाई। अब जो उस स्टोरी की बेस के ऊपर आप कंक्लूजन पे जाओगे ना, जब आप किसी के साथ क्रूशियल कन्वर्सेशन में हैं और आपने फैक्ट्स शेयर कर दिए हैं कि आपकी टोन तेज़ हो रही है, आपके चीक्स ब्लश कर रहे हैं, ये आपके फैक्ट्स हैं, उससे स्टोरी क्या बनेगी कि मुझे लग रहा है आप गुस्से में हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे? अगर अगला बंदा एग्रेसिव फॉर्म में जा रहा है, वॉयलेंस में जा रहा है, ये क्रूशियल कन्वर्सेशन तो नहीं होगी। अगर फाइट होगी तो हम यहाँ क्रूशियल कन्वर्सेशन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, विदड्रॉ करने में और सेफ एग्जिट करने में डिफरेंस है। सेफ एग्जिट आप तब करते हैं जब अगला आपको पता है कि अब देयर इज नो पॉइंट इन इट। विदड्रॉ आप इंटेंशनली करते हैं, आप जानबूझ के ये कहते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं है यहाँ बात करने का, बिकॉज मैं विन नहीं कर रहा हूँ ये आर्ग्यूमेंट, तो आई शुड लीव। तो ये आप विदड्रॉ कर देते हो। बट सेफ एग्जिट तब होता है जब आपको पता चल रहा है कि अगला बंदा एग्रेसिव हो रहा है या अगला बंदा वॉयलेंस की तरफ जा रहा है, बात सुनना नहीं चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगला बंदा आपको कन्वर्सेशन में नेम कॉल कर रहा है या सार्केस्टिक हो रहा है, तो आप उनको ये फैक्ट है कि आप सार्केस्टिक हो रहे हैं, ये एक फैक्ट है, आप उनको बता दें, ठीक है, आपको नेम कॉल कर रहा है या आपको बुरे नामों से बुला रहा है, तो आप ये भी फैक्ट है, बुला रहा है वो, तो उनको बता दें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो नहीं अपनी इस चीज़ से रुक रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि आप एग्जिट ले लेंगे, यू विल स्टेप आउट ऑफ द कन्वर्सेशन, बिकॉज ये राइट टाइम नहीं होगा वो क्रूशियल कन्वर्सेशन करने का। दिस मीन्स कि आप स्टेप आउट कर रहे हैं उस कन्वर्सेशन से। अगर आप शुगर कोट करना शुरू कर देंगे तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तो फिर फेकनेस आ जाएगी ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। शुगर कोट नहीं करना, ये नहीं उनको कहना, पार्टली अग्री करके नहीं करना, उनको फैक्ट्स बताने हैं कि इस टाइम आप गुस्से में लग रहे हैं, आपकी टोन तेज़ हो गई है, ऊंची हो गई है, हाँ, आप नेम कॉल कर रहे हैं, आप सार्केस्टिक कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें ये जो कन्वर्सेशन है यहाँ पे एंड अप करके, तो कभी फिर कभी डिस्कस कर लेना चाहिए, बाद में बात कर लेनी चाहिए। मतलब आपने उस कन्वर्सेशन से स्टेप आउट कर लिया, शुगर कोट नहीं करना या फेक नहीं करना या हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हो चलो फिर कभी बात करेंगे, ये चीज़ नहीं करनी है। एग्री नहीं करना, मतलब आपने जब हमने वो पॉइंट पढ़ा था ना कि आपने सॉरी तभी बोलना है जब इट इज़ अप्रोप्रिएट, इसी तरह जब आपकी गलती नहीं है और अगला बंदा वायलेंस में जा रहा है बट आप नहीं जा रहे हो, तो उस पर फिर आपको एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब डिसऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, नेक्स्ट पर्सन के साथ ऑनेस्ट रहें। उसके बाद आस्क फॉर अदर्स पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपनी स्टोरी तो देख ली है, आपने अपने फैक्ट्स भी देख लिए हैं, बट आपने अगले बंदे को ये मेक श्योर करवाना होता है कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। पूल ऑफ मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी और आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन है, क्रूशियल कन्वर्सेशन है, तो राइट नाउ देयर आर टू पेरेंट्स, मदर एंड फादर एंड यू, तो तीन लोग हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रूशियल कन्वर्सेशन हो रही है। फादर अपना ओपिनियन डालेंगे उस पूल में, उस कन्वर्सेशन में मदर अपना ओपिनियन डालेंगे और आप अपना ओपिनियन डालोगे, और फिर जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ओपिनियन होगा वो डिसाइड, मतलब वहाँ से वो डिसीजन निकलेगा। जैसे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में भी यही हो रहा होता है ना, ओपिनियंस होते हैं वो एक पूल में आते हैं और फिर एक बंदा डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट ओपिनियन है और फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो पूल ऑफ मीनिंग बहुत मैटर करता है यहाँ पे, कि आपने अपनी राय तो दे दी, आपने अपना फैक्ट्स बता दिए, आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस बता दिए, बट अगले बंदे को भी आपने फील करवाना है कि यस आपकी राय भी मैटर करती है, और उनको ये भी आप साथ बताएं कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने ओपिनियंस पे अपने ओपिनियन पे स्टिक रहूँगा, ऐसा नहीं है, मैं आपका ओपिनियन भी मेरे लिए मैटर करता है। रिजिड नहीं होना, उनको अश्योरेंस थोड़ी सी वैलिडेशन देनी है कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, यू ऑल्सो मैटर, आप भी एक सिग्निफिकेंट बंदे हैं तो आपकी बात भी मेरे लिए मैटर करती है। तो उनके पाथ को क्वेश्चन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनकी स्टोरीज को इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है माइट कम अ पॉइंट, यहाँ कोई ऐसा बात हो सकती है जब आपका ओपिनियन गलत ना हो लेकिन अगले बंदे का ओपिनियन गलत हो, आपका स्टोरी गलत ना हो लेकिन अगले बंदे की स्टोरी गलत हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमेशा हम तो गलत नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होते हैं, हो सकता है आप गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगला बंदे का ओपिनियन गलत है तो उस टाइम पे क्या करेंगे फिर आप? अगर अगला बंदा की स्टोरी जो है वो फैक्ट्स के बेस पर नहीं है, वो उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं सिंपली, तो कैसे उनको ये बताएंगे कि आपकी जो स्टोरीज हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था कि मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। कैसे उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन, या कैसे उनको बताएंगे कि आपकी स्टोरीज जो हैं फैक्ट्स के बेस पे नहीं है? आई लैंग्वेज यूज़ करके, यस, इमोशंस के थ्रू सिंपली आप उनको कह सकते हैं कि फैक्ट ये है कि हाँ मैं बाहर गया था, बट फैक्ट ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़। ये आपका फैक्ट था कि ये फैक्ट है कि मैं बाहर गया था,
फिर देयर कम्स अनदर रीज़न, जो भी कि इस वजह से गया था या इसके साथ गया था, जो भी बात है. तो इस तरह से आप अगले बंदे को उनका पाथ ऑफ एक्शन को क्वेश्चन कर सकते हो या कंक्लूड कर सकते हो. फिर उसके बाद है कि टॉक टेंटेटिवली. अच्छा, टॉक टेंटेटिवली बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने जो बात की है वो आप टेंटेटिव बेसिस पे कर रहे हो. आपने अपनी स्टोरी बनाई है फैक्ट्स के ऊपर, बेस के ऊपर. वो जब आप अगले बंदे से कॉन्वर्सेशन में डिस्कस करते हैं तो वो टेंटेटिव होती है. आप उनको ये कहते हैं नोइंगली, ये उनको कह रहे होते हैं कि बेसिकली मेरे फैक्ट्स ये हैं, मेरी स्टोरीज ये हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है मैं गलत हूँ. दैट मीन्स कि आप उनको एक मैसेज दे रहे हो कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, आपकी स्टोरी भी मैटर करती है, उसको कवर अप ना करो या कुछ भी इस तरह से. तो आपने अपनी लैंग्वेज को टेंटेटिव रखना है कि आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या आपने ये फाइनलाइज नहीं कर दिया कि हाँ ऐसा ही है. आपके लिए अगले बंदे का ओपिनियन भी मैटर करता है, और जब वो अपना ओपिनियन बताएंगे तो फिर एक हार्ड एंड फास्ट रूल उसमें से निकलता है. फिर उसमें से आप फैक्ट्स को अलग करते हो और स्टोरीज को अलग करते हो, एक कंक्लूजन स्टोरी उस पर आएगी. तो लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो होता है कि आप, मैं बहुत ज़्यादा टेंटेटिव हो रही हूँ अपने कन्वर्सेशन में लेके आपके साथ, और आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फेक हो रही हूँ. ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं टेंटेटिव इतनी ज़्यादा हो गई हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं फेक कर रही हूँ अपनी बातों को. ये दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, राइट? टेंटेटिव आप सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज आप श्योर नहीं हैं. टेंटेटिव आप इसीलिए नहीं हो रहे कि आप फेक बनना चाहते हैं. आपको श्योरिटी नहीं है कि ये फैक्ट, ये आपकी स्टोरी फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर है कि नहीं है. तो समटाइम्स हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं, टेंटेटिवनेस को और फेकनेस को. हम समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, बट तो इस तरह से आपने टेंटेटिवनेस को लेकर चलना होता है कि आपने टेंटेटिव भी रहना, कोई फाइनलाइज अपना डिसीजन नहीं देना. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है इनकरेज टेस्टिंग. आप टेंटेटिवनेस को इनकरेज इस तरह से करते हो कि आप उनको बताते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है, एंड हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, एंड हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो. ऐसा कुछ नहीं. देखा, जब आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं और अगले बंदे के साथ ऑनेस्ट हैं तो क्रूशल कन्वर्सेशन कभी भी ख़राब नहीं जाती है, हमेशा उसमें से कोई बेस्ट रिजल्ट ज़रूर निकलता है. ऑनेस्टी सबसे आपकी टॉप प्रियोरिटी होनी चाहिए, ओनली देन रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं. आप नर्वस फील कर रहे हैं, आप बुरा फील कर रहे हैं, आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप स्टैंड्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, आप डेज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, बस कह दें. जो हमारी 100% एंग्जाइटी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली 70% पे आ जाती है सिर्फ कहने से. बहुत चीज़ें साफ हो जाती हैं सिर्फ कहने से. तो इनको इसी तरह आपने अगले बंदे को भी ये असर्ट करना है कि आपने उनको इनकरेज करना है कि आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपका इस कन्वर्सेशन में रहना मैटर करता है, ये बहुत ज़रूरी है. जब तक आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे, हम कोई रिजल्ट की तरफ नहीं जा सकेंगे. तो इस तरह अगला बंदा इनकरेज होता है कि हाँ, मेरी भी कुछ वैल्यू है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ मैटर करता है. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.